खिलाफ शिव सैनिकों ने किया प्रदर्शन। मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र पुलिस के खिलाफ शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया तथा तख्तियों के ऊपर बिलारी पुलिस हाय हाय लिखकर विरोध दर्ज कराया। आपको बताते चलें, शिव सैनिकों ने बिलारी पुलिस पर हथियारों को न पकड़ने का आरोप लगाया है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिव सैनिकों ने बिलारी में हुई दलित की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही जल्द कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही। प्रदर्शन में जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने कहा कि कुछ दिन पूर्व बिलारी में अवनीत कश्यप की ओनर किलिंग के नाम पर हत्या कर दी गई। इस मामले में दर्ज मुकदमे की सीबीआई जांच कराई जाए, धारा 302 बढ़ाई जाए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो शिव सैनिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज किस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है? आज शिव सैनिक लॉकडाउन का पालन करते हुए एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर थाना बिलारी में दर्ज मुकदमे की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि थाना बिलारी के अंतर्गत ग्राम सरथल निवासी अवनीत कश्यप की आनर किलिंग के नाम पर हत्या कर दी गई थी। करीब 20-25 लोगों ने हत्या की थी। उसका मुकदमा अपराध संख्या 248/2020 दर्ज हुआ था धारा 304 में, जबकि मुकदमा 302 में दर्ज होना चाहिए था। पुलिस आरोपियों से हमसाज है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अतः शिव सैनिक मांग करते हैं कि मुकदमा अपराध संख्या 248/2020 में धारा 302 बढ़ाई जाए, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा शिव सैनिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हत्या किस विवाद के चलते हुई थी? आनर किलिंग के नाम पर हत्या हो गई थी। अवनीत कश्यप दूसरी बिरादरी की लड़की थी, उससे प्रेम करता था, शादी करना चाहता था, दोनों बालिग थे। उसे धोखे से बुलाकर उसके परिजनों ने और कुछ गांव वालों ने, प्रधान ने, लगभग 20-25 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। कब का मामला है ये? 1 जून का मामला है। अच्छा, तो प्रशासन इसमें क्या कर रहा है? जी, प्रशासन से आपकी बात? प्रशासन कोई बात ही नहीं कर रहा, प्रशासन परिजनों से कोई बात ही नहीं कर रहा, ना ही कोई बयान लेने हैं, ना ही गिरफ्तारी करनी है। बस एक दो की गिरफ्तारी कर दी, उसके बाद उसने तीसरी कर ली, कहानी खत्म कर ली, और मुकदमा वापस ना लेने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दिलवा रहे हैं।